इस सीरीज का नाम मर्डर इन माहिम की जगह LGBTQ इन माहिम होना चाहिए था। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज का नाम है मर्डर इन माहिम। ये सीरीज इसी पास्ट वीक जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। सीरीज में मेन लीड में विजय राज और आशुतोष राणा हैं। सीरीज कैसी है और क्यों इसका नाम गलत रखा गया, इसी मुद्दे पे आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर अपना प्यार देते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। विद दैट रोल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मुंबई शहर के माहिम इलाके में युवा लड़कों की लगातार हत्या हो रही है। कोई है जो LGBTQ समुदाय के लड़कों को निशाना बना रहा है। मुंबई के माहिम इलाके को इन सनसनीखेज हत्याओं ने झकझोर कर रख दिया है। कहानी में एक पुलिस वाला है शिवाजी राव झेंडे, जो इन मर्डर्स की मिस्ट्री में लगा हुआ है। जेरी पिंटो के फेमस नॉवल पर बेस्ड मर्डर इन माहिम शिवाजी राव झेंडे यानी विजय राज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वे माहिम में हो रहे सीरियल किलिंग की जांच में जुटा हुआ है। इन तमाम हत्याओं को जोड़ने वाली कड़ी है माहिम रेलवे स्टेशन के दूसरे छोर पे मौजूद एक शौचालय। फिरदौस रब्बानी यानी शिवानी रघुवंशी की सहायता से शिवाजी राव मामले में आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच एक और हत्या हो जाती है। जांच और उलझने लगती है। शिवाजी राव एक रिटायर्ड क्राइम जर्नलिस्ट पीटर फर्नांडिस यानी आशुतोष राणा से मदद मांगता है। पीटर का बीता हुआ कल शिवाजी राव के पिता से जुड़ा हुआ है। पीटर की रिपोर्टिंग में सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ही शिवाजी राव के पिता को पुलिस से बर्खास्त किया गया था। इधर पीटर खुद भी अपने बेटे की सेक्सुअलिटी को लेकर इन दिनों काफ़ी कंफ्यूज चल रहा है। सीरीज में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। जांच कभी सुलझती है तो कभी उलझन से बढ़ जाती है। सेक्सुअलिटी को लेकर विमर्श तो है ही, साथ ही बीते हुए कल और वर्तमान की लड़ाई भी है। इन सब के बीच हत्या का रहस्य भी है, हत्यारा भी है और न्याय की चाहत भी है। ये एक ऐसी सीरीज है जो दर्शकों को आखिरी एपिसोड तक बांधे रखती है। इसमें एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री के सारे मसाले हैं। अपने रहस्यमय स्क्रीन प्ले से भरे मर्डर इन माहिम LGBTQ समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी बात करती है। ये समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार की सोच पर रोशनी भी डालती है। और सच पूछिए तो सीरीज शुरू के दो एपिसोड के बाद एक तरह से अपने मेन प्लॉट यानी मर्डर मिस्ट्री से काफ़ी भटकती जाती है। उसके बाद मेन प्लॉट सब प्लॉट बन जाता है और सब प्लॉट मेन प्लॉट बन जाता है। फिर आखिरी के दो एपिसोड में जाकर वापस से अचानक मर्डर मिस्ट्री सक्रिय हो जाती है। मर्डर इन माहिम LGBTQ से जुड़े पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं की भी पड़ताल करता है, खासकर एक पिता और उसके बेटे के रिश्ते पर। जहां एक रिटायर पत्रकार अपने बेटे की सेक्सुअलिटी पर शक करता है, इस बीच वो अपने घर में चल रही एक ऐसी जंग से जूझता है जिसका दिखाना इन दिनों बहुत कठिन होता है। सीरीज के अधिकतर एपिसोड करीब 40 मिनट लंबे हैं और इसी कारण कहीं ना कहीं सीरीज खिंची हुई सी भी लगती है, लेकिन सीरीज में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप रोमांच से भर जाते हैं। कहानी के साथ साथ आप भी बतौर दर्शक इंसान के स्वभाव और समाज की असलियत की खोज में शामिल हो जाते हैं। सीरीज की मूल कहानी मर्डर मिस्ट्री है और इसमें एक के बाद एक कई रहस्यों से पर्दा भी उठता है। विजयराज और शिवाजी साटम के कैरेक्टर के रूप में एक मिडिल क्लास फैमिली के बाप बेटे के रिश्तों को दिखाया गया है। दोनों ने इसमें जान फूंक दी है। आशुतोष राणा का कैरेक्टर भी बाप बेटे के रिश्ते को एक नया आयाम देता है। ये चारों कैरेक्टर ऐसे लिखे गए हैं जैसे हमें ये अपने से लगते हैं और ये हमारे आसपास ही हो रहा हो। मर्डर इन माहिम की असली ताकत इसके कलाकार ही हैं। सभी ने बड़ी ईमानदारी से अपना अपना कैरेक्टर निभाया है। विजय राज और आशुतोष राणा अपने अपने कैरेक्टर में पूरी तरह छाप छोड़ते हैं। फिरदौस रब्बानी के रूप में शिवानी रघुवंशी याद रह जाती हैं। वह सीरीज को एक पायदान ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसके अलावा राजेश खट्टर ने लेस्ली सकेरा का कैरेक्टर बहुत ही असाधारण तरीके से निभाया है। यह सीरीज हमें बताती है कि LGBTQ समुदाय के लेकर हमारी समाज में सोच कैसी है। मुंबई के लोकल रेलवे स्टेशन पर एक गंदे टॉयलेट को इन लोगों ने एक कथित सेफ हाउस के रूप में दिखाया है, जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हालांकि मर्डर इन माहिम वेब सीरीज को अपनी खामियों से भी दिखाया गया है। सीरीज में एक चाकू पर बार बार फोकस किया गया है जिसका हो रही हत्याओं से कोई लेना देना नहीं।
ध्यान भटकाने के लिए किया गया यह प्रयास बेवजह ही लगता है, लेकिन इन कमियों के बावजूद यह सीरीज आपका मनोरंजन भी करती है। इसका रहस्य आपको बांध कर रखता है, यह मानवीय रिश्तों की पड़ताल भी करती है। कुल मिलाकर मर्डर इन माहिम एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे आप देखना चाहेंगे, लेकिन कृपया इसे अपनी फैमिली के साथ मत देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ इंटीमेट सीन्स भी हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।